हाय फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सैमसंग फोन में जो फ्लैशिंग प्रॉब्लम होता है उसके सलूशन के बारे में। तो फ्रेंड, ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली यूएसबी ड्राइवर से होता है और इसका सलूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप कंप्यूटर पे मैनेज पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप चेक करके देखिए कि आपका जो यूएसबी ड्राइवर है वो मिला क्या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो यहाँ पे जो है अननोन डिवाइस आपका डिवाइस मैनेजर पे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद आपको क्या करना है ये देखिए, यहाँ पे आपका अननोन डिवाइस आ जाएगा। तो फ्रेंड, इसका परमानेंट जो सोल्यूशन है मैं आपको दिखाता हूँ उसके लिए आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, आपको मेनली स्प्रेडम का ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें से ही टोटल प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड, आपका सिस्टम जो भी है 32 बिट या 64 बिट उस हिसाब से आप ड्राइवर को इंस्टॉल कर लीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसके बाद ये इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे देखिए, टोटल इसका जो ड्राइवर है ये यहाँ पे मिल गया, जिसके वजह से आपका फ्लैशिंग का और कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये ड्राइवर इंस्टॉल होने के बाद आपको और एक ड्राइवर इंस्टॉल करना है, जो भी आपका सैमसंग का यूएसबी ड्राइवर है उस ड्राइवर को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल पैकेज यहाँ पे आपको मिल जाएगा और इसके वजह से आपका कोई भी और दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा जो है ये ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। तो आप इस ड्राइवर को भी इंस्टॉल कर लीजिए और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।